आज के इस वीडियो सेशन में मैं इस कमेंट का आंसर देने वाला हूं और ये कमेंट उस वीडियो में आया था जहां मैंने ये बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री और इसको थ्योरेटिकली हमने सॉल्व किया था। काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए। तो चलिए खैर जो भी हो, जो यहां क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो उसी चीज को मैं सिंपल तरीके से यहां लिख दिया हूं कि ए इज इक्वल टू 10 थीटा ये गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा और एग्जैक्टली क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो कि एक्सप्रेस करना है साइन 2 थीटा को इन टर्म ऑफ क्या a, a के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए काफी आसानी से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो देखो मैंने लिखा साइन 2 थीटा, यहां आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे इसके बदले आप चाहो तो 2 sin थीटा cos थीटा भी आप लिख सकते हो। यहां लिख देता हूं sin 2 थीटा, इसके बदले आप लिख सकते हो 2 sin थीटा into cos थीटा, क्योंकि यहां tan दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है हम इसी को यूज करेंगे। तो चलिए हम यहां अब क्या करते हैं, जो tan थीटा का वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2 के बदले 2 मैंने लिखा। अब देखो यहां a इज इक्वल टू 2 tan थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बाय 2 हो जाएगा। तो बस हम यहां करते हैं इसके बदले a बाय 2 लिख लेते हैं, राइट। ये देखो एज यूजुअल मैं कॉपी डाउन कर रहा हूं 1 प्लस, अब क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा क्योंकि यहां स्क्वायर है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 2। अब आगे क्या लिखोगे, a लिखोगे और डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, एलसीएम ले लो, यानी कि 4 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब जब इसको थोड़ा सिंपल वे में लिखोगे तो ये हो जाएगा 4a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 4 या 4 प्लस a स्क्वायर, जो चाहो वो लिख लो। इस तरीके से आपने फाइंड किया sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 थीटा को एक्सप्रेस किया इन टर्म ऑफ a, राइट। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आप cos 2 थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फॉर्मूला आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो ये देख लो, cos 2 थीटा के बदले आप लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इजली cos 2 थीटा की भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो इन टर्म ऑफ a। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, स्पेशली जो कमेंट में पूछा गया था उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।